मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे कुछ लोगों ने गाड़ी पर उल्टा लटका रखा है और तकलीफ होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था। उस आदमी का नाम माऊ होता है और फिर हम एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सन और वांग और उनके साथी होते हैं। उनके साथ एक प्रोफेसर भी होता है और वो लोग गाड़ी को रोक उस आदमी की रस्सी को काट देते हैं। अब इसके बाद हम एक बहुत ही बड़े तूफान को देखते हैं जो उन आदमियों के ऊपर आता है और उस तूफान की वजह से उन सभी के सामान और गाड़ी सभी तहस नहस हो जाते हैं। वह तूफान बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है जिस कारण बहुत सारे लोग जख्मी और कुछ लोग मर भी जाते हैं। अब तूफान जाने के बाद वे सभी अपनी बॉडी को साफ कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे रेतीले कीड़े आ जाते हैं। तभी एक आदमी बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में रेतीला कीड़ा चला जाता है और फिर वांग उस कीड़े को उस आदमी के हाथ से निकाल कर फेंकता है तो वो रेतीला कीड़ा रेत के अंदर चला जाता है। अब हम 5 घंटे पहले का समय देखते हैं और उस सीन में हम एक बहुत ही बड़ी वॉल को देखते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं। तभी एक बहुत ही बड़ा रेतीला क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है, उसके साथ छोटे छोटे बहुत सारे रेतीले कीड़े भी होते हैं जो लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग उस क्रिएचर पर गोली चलाने लगते हैं और भागते हुए सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अब इसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि मिस्टर सन और वांग को ओएसिस के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज है और मुझे वहाँ का रास्ता भी मालूम है। वांग उस प्रोफेसर से पूछता है कि वो क्रिएचर हमें कितने दिनों में पकड़ लेगा। तब प्रोफेसर कहता है कि हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं और वो ये भी कहता है कि NC5 नामी एक ट्यूब है जो ओएसिस के अंदर एंटर होने वाली एक टिकट है। जिसके बाद मिस्टर सन कहता है कि मैं इस ट्यूब के बारे में जानता हूँ और वो अपने एक छोटे बैग को ओपन करता है और देखता है कि उसके बैग में से उनके कुछ ट्यूब गायब है। फिर उन सभी को पता चलता है कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लटका हुआ है। वैंग उसे शूट कर देता है जिसके बाद वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और गोली लगने की वजह से वह गिर जाता है। तभी वहाँ पर माऊ आता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में गाड़ी पर लटका हुआ देखा था। वो लड़का ट्यूब को माऊ को दे देता है और उसे ओएसिस की पूरी जानकारी भी देता है। अब माऊ वहाँ से भाग कर एक कमरे में आ जाता है और दरवाजे के पास एक लड़की को खड़ा कर देता है ताकि वे उन सभी लोगों से बच सके। वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए लोग होते हैं जिसके बाद माऊ उस ट्यूब को छुपा देता है और उसके पास एक नंबर होता है जिससे कि गाड़ी को कितनी डिग्री पर मोड़ा जाए या फिर दाएं बाएं किया जाए जिस कारण गाड़ी ओएसिस तक पहुंच सकती है, और फिर वह उस नंबर को याद करके फेंक देता है। अब इसके बाद जब वांग उस आदमी को पकड़ कर मारने वाला होता है तो वो आदमी कुछ नंबर बोल रहा होता है और तभी प्रोफेसर उस नंबर को पहचान जाता है और माऊ को मरने से बचा लेता है। अब इसके बाद प्रोफेसर मिस्टर सन को कहता है कि इस नंबर की मदद से हम ओएसिस के नंबर का कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं। अब इधर माऊ बाकी के बचे हुए नंबर उन सभी को नहीं बताता है और कहता है कि बाकी के नंबर मेरे दिमाग में है जिससे कि वो मरने से बच सके। तभी वहाँ पर रेतीले कीड़े आकर अटैक कर देते हैं जिसके बाद वो सभी रेतीले मैदान में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर फंस जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी और उनके मैकेनिक को रेतीले कीड़ों ने जान से मार दिया था। इसके बाद वहाँ को एक खेत में एक बहुत ही अजीब गाड़ी दिखती है और फिर वो वहाँ जाता है जहाँ पर उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसका नाम ली होता है। ली वांग को बताता है कि उसने बचने के लिए उनकी गाड़ी में छुपना ठीक समझा और फिर वांग को यह पता चलता है कि ली एक मैकेनिक है। वांग ली से हेल्प मांगता है और कहता है कि प्लीज हमारी गाड़ी को ठीक कर दो, जिसके बाद ली उनकी गाड़ी को अच्छे से रिपेयर कर देता है। जिसके बाद प्रोफेसर ली को कुछ खाने को देता है लेकिन ली उस खाने को लेने से इनकार कर देता है और फिर प्रोफेसर ली से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हमें एक लंबे सफर पर जाना है और अगर हमारी गाड़ी खराब होगी तो तुम इसे ठीक कर देना, इसके बदले में हम तुम्हें खाना पीना देंगे। लेकिन ली इसके लिए राजी नहीं होता है और मना कर देता है। इधर वांग ली की बेटी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। अब इसी बीच वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जोंगू शहर पूरा तबाह हो जाता है। इधर प्रोफेसर माऊ से मिलता है और उसे पूछता है कि तुम्हें ओएसिस के बारे में कैसे पता चला, लेकिन माऊ इस बारे में प्रोफेसर को कुछ भी नहीं कहता है और फिर वो सभी गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं और जिस गाड़ी में माऊ होता है वहीं पर ली की बेटी की टीचर भी होती है जिसका नाम मिया होता है और ली उसे अपने साथ गाड़ी में छुपा कर लेके आया था। अब इसके बाद रात होने की वजह से वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और रात के वक्त माऊ उस बच्ची के बारे में सोच रहा होता है जिसे उसने दरवाजे के पास खड़ा किया था ताकि वह मिस्टर सन के आदमियों से बच सके। और जब वो बच्ची दरवाजे के पास खड़ी होती है तभी दरवाजे के पीछे से गोली चलती है जो कि सीधा उस बच्ची को लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। माऊ इस बात को सोचकर बहुत ही ज्यादा रो रहा था। तभी वहीं पर एक रेतीला कीड़ा माऊ पर अटैक कर देता है लेकिन माऊ उसे हाथ मारकर हटा देता है और इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर अब बहुत सारे रेतीले कीड़े आने लगते हैं और सभी लोगों की गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर वांग फायर मशीन से उन रेतीले कीड़ों को जलाने की कोशिश करता है मगर वो कीड़े बहुत ही ज्यादा होते हैं और फिर तभी माऊ और ली की फैमिली दूसरी तरफ फंसी हुई होती है। ली की वाइफ इतना ज्यादा डर जाती है कि वो रेतीले कीड़ों को मारने लगती है और फिर एक रेतीला कीड़ा ली की वाइफ को काट देता है। अब इसके बाद माऊ नोटिस करता है कि वे रेतीले कीड़े पेट्रोल से डर रहे होते हैं और पेट्रोल से दूर जा रहे होते हैं, जिसके बाद वो पेट्रोल को सभी लोगों पर डालता है और खुद पर भी डालता है जिससे सभी
सभी रेतीले कीड़े उनसे दूर होने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर सन पेट्रोल को बॉडी पर डालने के बजाय पीने लगता है और इसके बाद खुद भी पेट्रोल से ना लेता है। तभी प्रोफेसर उन सभी से कहता है कि ऐसा करना बंद करो क्योंकि रेतीले कीड़े बाद में और भी ज्यादा आएंगे। अब इसके बाद वे सभी गाड़ी में बैठते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ली की वाइफ को रेतीले कीड़े ने काट लिया होता है और उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। तब वे सभी सोचने लगते हैं कि पहले उनकी जिंदगी कितनी खुशहाल थी और अब उन्हें ऐसे धक्के खाते हुए अपनी जिंदगी काटनी पड़ रही है। तभी वांग अचानक से गाड़ी में मौजूद सभी लोगों को चेक करने के लिए कहता है। अब इसी बीच मिस्टर सन अपने एक साथी को मार देता है और वांग और मिया पर बंदूक तान कर खड़ा होता है और पूछता है कि तुम हमारी गाड़ी में कैसे आई। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ली मिया को भी अपने साथ गाड़ी के अंदर लेकर आया था और मिया के हाथ पर एक जख्म भी होता है। अब इसी बीच प्रोफेसर मिस्टर सन को कहता है कि अगर कोई रेतीला कीड़ा किसी इंसान को काट दे तो वो रेतीले कीड़े फिर उनका पीछा करना नहीं छोड़ते और ये बात सुनकर माऊ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मिस्टर सन मिया और ली की वाइफ दोनों को मारना चाहता था क्योंकि दोनों के हाथ पर जख्मों का निशान होता है। तभी प्रोफेसर मिस्टर सन को कहता है कि उसने ली की वाइफ के हाथ पर जख्म का निशान देखा था। जिसके बाद मिस्टर सन ली की वाइफ की तरफ गन पॉइंट करता है और उसे मारने ही वाला होता है और फिर तभी ली मिस्टर सन के पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि वह उसकी वाइफ को ना मारे। तभी माऊ उन सभी से कहता है कि रेतीले कीड़ों ने ली की वाइफ को जरूर काटा है लेकिन उन कीड़ों ने मिया को नहीं काटा। माऊ सन को यह भी कहता है कि ली के परिवार के लोग ओएसिस में ऊंचे ओहदे पर अफसर है और अगर हम इन्हें जिंदा बचा कर ले गए तो वहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। और अब इस लालच में आकर मिस्टर सन मिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो सभी ली की वाइफ को मरतबा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जिस कारण ली बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद वहाँ पर रेतीला क्रिएचर आ जाता है जो ली की वाइफ को खा जाता है। इधर वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब प्रोफेसर माऊ से उस नंबर के बारे में पूछता है, जिसके बाद माऊ सिर्फ एक ही नंबर उसे बताता है और जब प्रोफेसर उससे आगे के नंबर के बारे में पूछता है तब माऊ मना कर देता है। इसके बाद वो सभी एक जगह पर रुककर खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर वांग सन से कहता है कि हमने एक दिन आसानी से खत्म कर दिया है और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम एक दो दिनों के अंदर ओएसिस पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद वहाँ पर रफ्तार से रेत आगे बढ़ रही होती है और वो रेत उनके पास आ जाती है, जिसके बाद वो सभी रेत के अंदर एक गुफा टाइप जैसी जगह पर गिर जाते हैं और जब वो लोग नीचे गिरते हैं तो बेहोश हो जाते हैं और फिर माऊ उन सभी को उठाता है और हम देखते हैं कि मिस्टर सन जो है ऊपर से नीचे गिरने के बाद दो सलाइयों के बीच गिर गया है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है। जिसके बाद सन को पता होता है कि वह मरने वाला है इसलिए वो ओएसिस के अंदर एंटर होने वाले दो ट्यूब को तोड़ देता है और जब वो लास्ट ट्यूब को तोड़ने ही वाला होता है तो वांग उसे जान से मार देता है और उस आखिरी ट्यूब को अपने पास रख लेता है। इधर उन सभी की गाड़ियां खराब हो जाती है और उनके पास पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद वांग उन सभी को इस जगह पर पेट्रोल ढूंढने के लिए कहता है और फिर वो सभी लोग पेट्रोल ढूंढ रहे होते हैं। इधर मिया प्रोफेसर और माऊ एक साथ पेट्रोल ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें एक जगह पर बहुत ज्यादा पुरानी चीज मिलती है। प्रोफेसर माऊ से कहता है कि देखो अभी जो हालात चल रहे हैं ऐसा लगता है कि सभी लोग जिंदा नहीं बच सकेंगे और जो बचेगा उसे कम से कम वो नंबर तो याद होना ही चाहिए। अब प्रोफेसर के इतना कहने पर माऊ उस नंबर को बता देता है और फिर उन सभी को एक जगह पर पेट्रोल भी मिल जाता है। अब इसके बाद जब वो सभी रिटर्न आ रहे होते हैं तो माऊ के सामने से रेत गिरती है और वो ऊपर देखता है कि उसके सामने एक रेतीला कीड़ा होता है, जिसके बाद वो सभी डर कर भागने लगते हैं। अब इसी बीच उन्हें पता चलता है कि वो रेतीले कीड़े अंधेरे में नहीं देख सकते हैं और वो पीछे हटने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एक रेतीला कीड़ा मिया के पीछे आ जाता है और वो डर कर चिल्लाने वाली होती है, लेकिन समय रहते माऊ उसका मुंह बंद कर देता है और प्रोफेसर उन रेतीले कीड़ों का ध्यान एक पत्थर से भटकाता है और उनका रास्ता साफ हो जाता है। वो सभी लोग एक दूसरे रास्ते से भागते हैं और एक दरवाजे के पास आ जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे रेतीले कीड़े होते हैं, जिसके बाद माऊ प्रोफेसर को पेट्रोल यूज करने के लिए कहता है, लेकिन प्रोफेसर एक बोतल को माऊ की ओर फेंक कर उन्हें धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है और फिर रेतीले कीड़े माऊ और मिया के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद माऊ और मिया एक जगह पर रुक कर भागने की कोशिश करते हैं तो एक रेतीला कीड़ा मिया को पकड़ लेता है और वो समझ जाती है कि वो मरने वाली है, इसलिए वो माऊ से कहती है कि ली की बेटी का ख्याल रखना और वो माऊ को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। अब इसके बाद ली गाड़ी को स्टार्ट कर रहा होता है और एक एक करके वे सभी उस गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी के पीछे बहुत सारे रेतीले कीड़े भी होते हैं। तभी माऊ भागता हुआ गाड़ी के अंदर आता है और एक रेतीला कीड़ा माऊ के पैर पर चढ़ जाता है। वांग उस कीड़े को बंदूक से मार देता है। अब इसके बाद ली गाड़ी की स्पीड को तेज करता है। अब थोड़े समय बाद वो सभी रेतीली जमीन पर पहुंचते हैं जहां पर माऊ प्रोफेसर का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी वजह से मिया की जान गई थी, लेकिन वांग उसे बचा लेता है और उससे पूछता है कि
हमारे पास कितना टाइम बचा है। तब प्रोफेसर कहता है कि सिर्फ उनके पास 6 घंटे बचे हैं, जिसके बाद वो सभी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए रास्ते में रुकते हैं। और इधर मऊ ली की बेटी के साथ बहुत देर तक बातें करता है और ली की बेटी भी मऊ के साथ अच्छे से बात करने लगी थी। और अब मऊ एक कपड़े में उस ट्यूब को लपेट कर ली की बेटी के हाथ में दे देता है और कहता है कि जब हम ओएसिस पहुंच जाएंगे तो इस ट्यूब को मुझे दे देना और इसके बारे में किसी को भी मत बताना। और फिर प्रोफेसर चालक इसे वहाँ को हिलने से मना करता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी में एक रेतीला कीड़ा चढ़ गया है। जिसके बाद प्रोफेसर मौका पाकर एक चाकू से वहाँ की गर्दन पर वार करता है और उसकी ही गन से उसकी जान ले लेता है और उस ट्यूब को वहाँ के पास से ले लेता है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक के सीन में असली प्रोफेसर को देखते हैं, जहाँ पर वह असली प्रोफेसर एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है और कहता है कि जो रेतीले कीड़े हैं वे सिर्फ इंसानों को नहीं खाते हैं बल्कि वो कचरे को भी खाते हैं। और वो कहता है कि ये कीड़े बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और पूरा चीन शहर बर्बाद हो चुका है, इसलिए इनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। और फिर हमें पता चलता है कि वो नकली प्रोफेसर असली प्रोफेसर का स्टूडेंट है। वो असली वाला प्रोफेसर कहता है कि हमें ओएसिस जाने का इन्विटेशन आया है क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर ओएसिस ही एक सेफ जगह थी। लेकिन वह असली वाला प्रोफेसर उस इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि उसके बच्चे और उसकी वाइफ इसी जगह पर होते हैं। लेकिन उसके स्टूडेंट को पता होता है कि हम सिर्फ ओएसिस पहुंचकर जिंदा बच सकते हैं, इसलिए वो अपने ही प्रोफेसर को जान से मार देता है और उनकी जगह ले लेता है। अब इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा रेतीला क्रिएचर आ जाता है और इधर प्रोफेसर जाकर ली के हाथ पर गोली मार देता है और उसे गाड़ी से निकाल देता है। और इसके बाद वो मऊ के हाथ पर भी गोली मारकर उसे जख्मी कर देता है और वो गाड़ी लेकर भागने लगता है। लेकिन ली भागते भागते गाड़ी के पीछे लटक जाता है और मऊ ली की बेटी को उठाकर भाग रहा होता है और साथ ही रेतीला क्रिएचर भी उनका पीछा कर रहा होता है। और गाड़ी रोकने की कोशिश में ली गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिस कारण गाड़ी वहीं पर रुक जाती है और वो क्रिएचर वहां आकर उस गाड़ी पर हमला कर देता है और प्रोफेसर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और प्रोफेसर गाड़ी से निकलता है तो वो फिर से मऊ को शूट करके उसे जख्मी कर देता है। इधर वो क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, तब प्रोफेसर कहता है कि ये क्रिएचर इंसानों के खून को सूंघकर उन पर हमला करते हैं। और प्रोफेसर इतना बेरहम होता है कि वो ली की बेटी के हाथ को भी काट देता है, जिससे वो क्रिएचर ली की बेटी की तरफ बढ़ता है। इधर मऊ होश में आ जाता है और वो ली की बेटी को भागने के लिए कहता है। इधर प्रोफेसर फिर से मऊ को शूट कर देता है, लेकिन मऊ प्रोफेसर को लेकर अपने साथ गिर जाता है। अब पहले तो वो क्रिएचर ली की बेटी को खाने वाला होता है, लेकिन मऊ उस पर गोली चलाकर उसका ध्यान भटकाता है। लेकिन उस क्रिएचर को खून की खुशबू आ रही होती है, इस कारण वो ली की बेटी को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद मऊ अपने मुंह से खून निकालकर प्रोफेसर के मुंह पर फेंक देता है, जिस कारण वो क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उन्हें जान से मार देता है। और इसी के साथ प्रोफेसर और मऊ दोनों मारे जाते हैं। इधर ली की बेटी भागती रहती है और 100 तक की गिनती गिन रही होती है और ये कोऑर्डिनेट नंबर ही होता है। और जैसे ही वो 100 कहती है, वहाँ पर वह क्रिएचर आ जाता है और वह उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर ओएसिस के सिपाही आ जाते हैं और उस क्रिएचर पर अटैक करके उसे मार देते हैं। और ली की बेटी के हाथ में वही ट्यूब भी होती है, जिस कारण वह ओएसिस के अंदर पहुंच जाती है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ओएसिस के सिपाही जोंगू शहर में जाते हैं, जो कि पूरा तबाह हो चुका है। और वो सिपाही जोर जोर से चिल्लाकर बता रहे होते हैं कि उन लोगों ने क्रिएचर को जान से मार दिया है, अगर कोई जिंदा बचा है तो उनके सामने आ जाएं और वो उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।